गुडबा पुलिस ने गुमशुदा की हत्या में लिप्त दो सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। गुडबा पुलिस ने पिकनिक स्पॉट पर हुई हत्या का किया खुलासा। मौर्या भट्टा तिराहा सेक्टर जे के पास खड़े अपराधी अनिल शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी बहादुरपुर थाना गुडबा, हेमंत शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी बहादुरपुर थाना गुडबा जिला लखनऊ ने बताया कि नरेश कुमार वर्मा से हुआ था झगड़ा। नरेश और पुत्र ने साथ मिलकर हमारे साथ की थी मारपीट, जिससे गुस्साए दोनों सगे भाइयों ने नरेश कुमार को उतारा था मौत के घाट। एतौंजा पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त आते हुए दिखा। दो उन्होंने रोकने का इशारा किया और पुलिस को देखते ही भागने लगा, तो पुलिस ने घेर कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर मिश्रा पुत्र सुनील कुमार मिश्रा निवासी ग्राम पूर्वा रामा थाना एतौंजा लखनऊ को भेजा जेल। चिन्हट पुलिस ने गार्ड की नौकरी व घर में नौकर बनकर काम करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर सामान बेचने जा रहे चोरों को घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त राम के पुत्र जयचंद निवासी बारात घर के पास निजामपुर मल्हौर, कुलदीप यादव पुत्र रमेश यादव निवासी बारात घर के पास निजामपुर मल्हार थाना चिन्हट लखनऊ गिरफ्तार। गंज पुलिस टीम में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले चार लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 52,750 रुपए किया बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल वर्मा पुत्र ओंकार निवासी रहमत नगर थाना गोसाईगंज, नंदू पुत्र नौमी लाल रहमत नगर थाना गोसाईगंज, रमेश कुमार पुत्र राजाराम, विनोद मौर्या पुत्र रामचंद्र मोहल्ला गढ़ी कस्बा अमेठी थाना गोसाईगंज गिरफ्तार। सर्विलांस सेल कार्यालय पुलिस उपायुक्त उत्तरी जोन ने 21 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 4 लाख बताई जा रही है। लखनऊ पुलिस उपायुक्त उत्तरी कार्यालय में उत्तरी जोन थाना क्षेत्र से गुमशुदा मोबाइल के संबंध में प्रार्थना पत्र को सर्विलांस पर लगाकर मोबाइल किया बरामद। पुलिस उपायुक्त ने 23 अगस्त 2021 को वास्तविक मोबाइल धारकों को मोबाइल दिया, लोगों के चेहरे पर खुशी का इजहार पुलिस को दिया, धन्यवाद। 21 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पंचतत्व विलीन राजकीय सम्मान के साथ नरोरा स्थित बंसी घाट पर उनका किया गया अंतिम संस्कार। उनके बेटे राजवीर सिंह ने दी मुखाग्नि की। एयरपोर्टगंज पर नहर में एक डेड बॉडी उतरते हुए दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने तत्काल थाना आशियाना को दिया सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और बताया कि अभी वह स्थानीय लोगों से पहचान कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान होने पर परिवारी जनों को सूचना दी जाएगी। खबर लिखे जाने तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी। आगे की कार्यवाही में जुटी आशियाना पुलिस। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा उत्तर प्रदेश ने वर्तमान सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बारी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि देश में 40% अति अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताया, लेकिन वर्तमान सरकार 75% आरक्षण में वर्गीकरण मांग को लेकर प्रदेश सरकार ने जून 2018 में जस्टिस राघवेंद्र की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति का गठन किया, लेकिन अक्टूबर 2018 में सरकार ने रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने बताया 2022 में चुनाव से पहले अगर जनगणना नहीं कराई गई तो पिछड़ा वर्ग वर्तमान सरकार को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मनसा नहीं उनकी, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। यहाँ भी राघवेंद्र सिंह, जस्टिस राघवेंद्र सिंह कमेटी बनाई गई थी कि वर्गीकरण कैसे किया जाए, क्या आधार है, एक बी सी डी कितने भागों में बांटा। उन्होंने रिपोर्ट दे दिया 2 साल पहले 2018 में, ठीक है ना, और आज तक वो रिपोर्ट लागू नहीं की गई। रीज़न भी नहीं बताया जा रहा क्यों नहीं लागू की जा रही, ये भी नहीं बता रहे कि हम नहीं लागू करेंगे। अगर ऐसा कुछ बताएं तो हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट से कहेंगे सब क्यों कमेटी बनाई, क्यों इतना पैसा खर्चा किया गया सरकार। लेकिन जानबूझ करके सरकार जो है हमारे केसेस को लंबित कर गई और वो प्रेशराइज्ड है बैकवर्ड में, जो सक्षम बैकवर्ड हैं, जो दमदार बैकवर्ड हैं, जो बाहुबली बैकवर्ड हैं, ये समझ जाइए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, जो बाहुबली बैकवर्ड हैं उनके उनके प्रेशर में वो लोग नहीं चाहते। कौन बाहुबली? बाहुबली कुर्मी है, नाम लेना उचित नहीं, समझना ज़्यादा उचित है।